अगर पीपल्स इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो जो आउटपुट रहेगा वो हर एक गांव सुजलाम सुफलाम बनेगा, और हर एक गांव जब सुजलाम सुफलाम बनेगा तो भारत देश पूरे दुनिया का नंबर वन एंड ओनली ग्रीन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनेगा। अभी हम ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहेंगे कि जो इस इंजन के तैयारी के लिए और डेवलपमेंट के लिए दिन रात काम करते हैं, जो इसके क्रिएटर है, तो और पूरे MCL के हमारे ऊर्जा केंद्र है। सो लेट्स वेलकम हमारे MCL के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलप सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और MCL परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों इस दुनिया में, इस धरती मां ने करोड़ों सालों से करोड़ों जीवों को पाला है। ये मनुष्य ये भी इन करोड़ों जीवों में से एक जीव है। हजारों सालों तक ये मनुष्य बाकी के जानवरों जैसे जंगलों में घूमता था, गुफाओं में रहता था और मारकर यहां वहां भटक के अपना गुजारा करता था। वो एक चीज थी जिसकी वजह से मनुष्य एक जगह रुकने लगा और वो गुजारा करने लगा, वो चीज थी एग्रीकल्चर। वो एक चीज जिसकी वजह से मनुष्य एक जगह बस्ती करने लगा, जिसकी वजह से वो समाज प्रिय, यानी जानवर से समाज प्रिय इंसान या समाज प्रिय प्राणी अगर वो बना तो वो थी एग्रीकल्चर। दोस्तों यही एग्रीकल्चर है कि जिसकी वजह से हमारे अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पे संस्कृतियों की या इस माध्यमों की शुरुआत हुई। दोस्तों जब इस एग्रीकल्चर के तंत्र बहुत बड़े, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, पद्धति बेहतर हुई और मनुष्य ने ये जाना, ये समझा कि किससे कैसे मैं इस जमीन से ज्यादा धान उगा सकता हूँ, ज्यादा अनाज उगा सकता हूँ, और जब ये सरप्लस अनाज तैयार होने लगा तब ऐसी जगह पे जहां ज्यादा अनाज तैयार होने लगा ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे, बस रहने लगे और यही से फिर शुरुआत हुई गाँव की, शहरों की। दोस्तों दुनिया में जितनी भी सभ्यता की शुरुआत हुई है, सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, वो हुई है एग्रीकल्चर की वजह से, वो हुई है हमारी खेती बाड़ी की वजह से। और इस खेती की वजह से ही अगर आप देखोगे तो दुनिया में जितने भी पुराने या संस्थापक हम कह सकते हैं कि सभ्यता, जैसे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, बाकी दुनिया में चाइनीज, मेसोपोटामियन, ऐसी अलग अलग सभ्यता है, वहां वो जो प्रदेश थे जहां जहां ये सभ्यता की शुरुआत थी वो सभी प्रदेश इस एग्रीकल्चर के लिए अच्छे थे। वो ऐसे प्रदेश थे कि जहां ज्यादा से ज्यादा धान, ज्यादा से ज्यादा अनाज इंसान उगा सकता था और जिसकी वजह से शहरें तैयार हुए। और ये सभी शहर अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिमम सभ्यताएं, ये सभी शहरें किसी ना किसी नदी के ऊपर थे। अगर आप इजिप्ट में जाओगे, इजिप्ट में ये पहाड़ देखोगे, आपको लगेगा ये क्या है, ये तो पूरा रेगिस्तान है, लेकिन ये आज रेगिस्तान है। एक ऐसा जमाना था, एक ऐसा वक्त हुआ करता था कि ये सब यहाँ एक बहुत बड़ी नदी यूफ्रेटिस करके बहती थी और ये पूरा जो इलाका था वो हरा भरा था। दोस्तों दुनिया में ये सभी शहरों की जब शुरुआत हुई तो इस शहर का या हर शहर का जो व्यवस्थापन है, प्रशासन, वो कैसे चलता था? तो हर शहर का प्रशासन चलाने के लिए एक समिति थी जिसको ही हम लोग आज समझने वाले हैं और जिसको ही हम लोग म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल ऐसा बोलते हैं। अगर भारत के इतिहास की बात करें तो भारत में जो भी इतिहास है उस ज्यादा से ज्यादा इतिहास हमें पता चलता है वेदों में जो लिखा है उसमें से। वेदों में ये कहा है कि जब इस बस्तियों का, शहरों की शुरुआत हुई, समुदाय की शुरुआत हुई तो समुदाय अलग अलग हिस्सों में बट गए और हर समुदाय को ट्राइब्स ऐसे कहा जाता था, ट्राइब्स, राज्य, और उनकी जो प्रमुख थे उस ट्राइब्स के, उन्हें कहते थे राजन या राजा। अभी ये जो राजा थे, ये राजा किसको बनाते थे? ये राजा उसको बनाते थे कि जो उस समुदाय का, जो उस ट्राइब का सबसे शक्तिशाली, सबसे कैपेबल ऐसा व्यक्ति हो, जिसका प्रमुख, सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट कर्तव्य यही रहता था कि अपने इस ट्राइब की, अपने इस राज्य की, लोगों की रक्षा करना। तो
तो लोगों की रक्षा कर रही, ये प्राथमिक कर्तव्य होता था कि जिसके बलबूते पर इस राजा को चुना जाता था। दोस्तों जब धीरे धीरे आगे इस राजा का अपना एक कार्यालय बना और इस संरक्षण, ये जो मिलिट्री चीज है, इसके वजह से उसका एक अपना व्यवस्थापन बना। उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें जो लोगों के लिए चाहिए थी, यानी इस पूरे राज्य में संरक्षण छोड़ के न्याय व्यवस्था, वहां लोगों के लिए जो अच्छी सोई सुविधा करनी है उसके लिए कर की व्यवस्था, लोग अगर वहां खेती बाड़ी कर रहे तो उसके लिए जो चीज हो सकता है वो करें, तो अलग अलग डिपार्टमेंट उसके तैयार हुए। लेकिन दोस्तों हमेशा इस राज्य में एक सभा होती थी और समिति होती थी। सभा यानी उस राज्य में, उस शहर में जो लोग रहते थे उनसे मिलती, उनसे बन के होती थी सभा, और ये लोग अपने में से कुछ लोगों को चुन के या उनके कुछ प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसे लोगों से बनती थी समिति। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि उस उन दिनों में भी सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसके पास होता था तो वह सभा और समिति के पास होता था। राजा के जो कर्तव्य थे, उसकी जो जवाबदारी थी वो तो थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो अमर्याद अधिकार अगर किसी के पास होते थे तो वो सभा और समिति के पास होते थे। राजा वही करता था जो लोगों की सभा, लोगों की समिति उनको बताती थी। तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन भारत से हमारी संस्कृति ही रही है ये लोकतंत्र की। हमारे संस्कृति में, हमारे वेदों में अगर आप देखोगे तो हर जगह इसका इसका जिक्र है कि राजा वही करता था जो लोग उनके कहते थे, और इन सभा और समिति को ज्यादा पावर, ज्यादा अधिकार होते थे। तो ये लोकतंत्र की सिस्टम हमारे शुरुआत में, हमारी जो सभ्यता सिंधु घाटी की शुरुआत हुई तब से ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये हमारा कल्चर, इसकी शुरुआत हुई, ये लोकतंत्र की शुरुआत हुई। उसके बाद कई राजा आ गए, उसके बाद ऐसा भी हुआ कि बाहर के लोग आ गए और यही के हो गए, कई सल्तनतें आई, इन लोगों ने फिर जो हमारी संस्कृति थी और उनका जो काम करने का तरीका था उस तरह से अपना प्रशासन लिया, आगे बढ़ाया। लेकिन आज की तारीख में जो हम शहरों का प्रशासन देख रहे हैं, जो अलग अलग नगर निगम है, नगर पंचायत है, ये पूरा जो मॉडर्न सिस्टम आज हम लोग देख रहे हैं, उसकी नींव रखी गई, उसकी शुरुआत हुई वो ब्रिटिश पीरियड में। अंग्रेजों के जमाने में ये सभी जो ये म्युनिसिपल काउंसिल, ये सभी जो हम लोग नगर पंचायत सब देखते हैं, इसकी प्रशासन की शुरुआत हुई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का सबसे पहले जो म्युनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद बना वो कोची में, केरल में जो कोची नाम का शहर है उस पे बना। उसमें 1664 में डच, यानी हमारा भारत इतना समृद्ध था कि सिर्फ अंग्रेजी नहीं, कई सारे लोग यहाँ से वहां, सभी यूरोपियन, आज हम जिन्हें कहते हैं कि हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड ऐसे देश है, वो सभी हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ आते थे। तो सबसे पहले वो डच, पोर्चुगीज भी वैसे है, तो सबसे पहले जो म्युनिसिपल काउंसिल वो यही डच ने बनाया था कोची में। उसके बाद 3 साल के बाद अंग्रेजों ने भी मद्रास म्युनिसिपल काउंसिल करके मद्रास शहर में इस काउंसिल की स्थापना की और एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। तो इन अंग्रेजों ने जहां जहां, जिस जिस शहरों में उनका काम था, उन शहरों को विकसित किया और हर शहर में उन्होंने अपने अपने तरीके से उन काउंसिल की शुरुआत की। अब इस काउंसिल का काम कैसे चलता था, तो काउंसिल का काम वैसे ही चलता था जैसे पूरे देश में इन अंग्रेजों का प्रशासन चलता था। तो अंग्रेज अपने अपने तरीके से ये सभी शहर के काउंसिल चलाया करते थे। लेकिन चेंज तब हुआ जब भारत में एक लॉर्ड रिपन करके वाइसरॉय आ गए। लॉर्ड रिपन के 1880 से लेकर 1884 तक ऐसे 5 साल के लिए थे। वाइसरॉय ने ऐसे समझे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी व्यक्ति, सबसे बड़ी पोस्ट है वाइसरॉय। उन्होंने आने के बाद कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हमारे इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में किए। उन्होंने पहली बार ये सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, ये सभी म्युनिसिपल काउंसिल चल रहा था, वह उन्होंने एक संकल्पना दी और उस संकल्पना का नाम था स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने ये कहा कि ये सभी जो काउंसिल्स है, ये सभी शहरों को चलाने वाली जो संस्था है, उनको चलाना चाहिए वहां के रहने वाले लोगों ने। इसीलिए उनको कहते हैं कि स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्थानिक यानी उस शहर में रहने वाले लोग अपने राज्य को चलाएंगे, स्वराज्य को चलाएंगे, तो ऐसी संस्था। तो ऐसा रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया, तब कोई कायदा कानून बना नहीं था, लेकिन उसके बाद जितने भी कायदे कानून बने, जो प्रमुख
कानून बने ब्रिटिश इंडिया के, वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का और 1935 का। ये दो बहुत महत्वपूर्ण एक्ट थे जिसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कायदा बना और हम लोग आजाद हो गए। ये दोनों ही एक्ट में ये स्थानिक स्वराज्य संस्था का बहुत प्रमुख ऐसा जिक्र था और इस कानून में वो कानून से वो लागू था। दोस्तों आजादी के बाद हमने कई सारे काम किए, कई सारे इसको आगे बढ़ाया, लेकिन आज की तारीख में आज आपके आपके शहर में जो भी कामकाज होता है, जो भी प्रशासन होता है, जिस तरह से व्यवस्थापन चल रहा है, वो सभी व्यवस्थापन जिस कानून के आधार पर चलता है, ये सभी ढांचा, ये सभी चीजें, ये सभी डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल जिसने बनाया वो कानून था 74वीं अपनी घटना दुरुस्ती। 74वीं घटना दुरुस्ती जो 1992 में हुई वो स्पेशली इसके लिए थी कि शहरों पे जो ये स्थानीय स्वराज्य संस्था या म्युनिसिपल काउंसिल काम कर रहे उसकी पूरी रचना इस कायदे ने तैयार की। यही वो कायदा था कि जिसने ये डिसाइड किया कि हर शहर वार्ड में तब्दील, वार्ड में बांटा जाएगा, हर वार्ड में एक नगर सेवक होगा और वो नगर सेवक फिर वो नगर सेवक मिलके उस शहर के काउंसिल को चलाएंगे। उसमें से एक प्रमुख होगा जिसे हम उस शहर का प्रथम नागरिक या मेयर कहेंगे, जो इसका प्रमुख होगा। उसके अलावा ये इस पर हर म्युनिसिपल काउंसिल की पूरे देश में त्रिस्तरीय रचना होगी। उसके अलावा इस पूरे प्रशासन में 33% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए। इसका स्पेशल इलेक्शन होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी वहां के राज्य सरकार पे होगी और उस राज्य सरकार के लिए एक स्पेशल कमीशन आयोग की स्थापना की जाएगी जो होगा राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऐसे सभी चीज यानी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, सभी जो वार्ड कमेटी से लेके कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो अगर उनका नॉलेज अच्छा है तो उनको हम स्वीकृत सदस्य करके ले सकते हैं। ये सभी चीजों की शुरुआत हुई 1992 में। सो 1992 की जो 74वीं घटना दुरुस्ती है ये पूरा वही ढांचा है जिसके ऊपर आज की तारीख में हमारे देश में ये सभी शहरों का कानून चलता है, व्यवस्थापन चलता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है म्युनिसिपल काउंसिल। तो म्युनिसिपल काउंसिल तो वह अपने शहर को, अपने शहर का व्यवस्थापन चलाने वाला जो एक परिषद है उसे हम लोग म्युनिसिपल काउंसिल कह सकते हैं। और ये परिषद, ये पालिका, ये काउंसिल एक सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था है। यानी कौन बनाता है ये काउंसिल, कौन बनाती है संस्था, तो वहां रहने वाले लोग। तो वहां रहने वाले लोग उनके जो प्रतिनिधि है उनके थ्रू पूरे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं और उसी को कहते हैं हम म्युनिसिपल काउंसिल। दोस्तों अभी ये नगर पालिका का ये जो चीज है, अभी हमारा जो भारत अगर आप देखोगे तो पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो भारत को हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रामीण भारत और एक शहर का भारत। तो ग्रामीण भारत में प्रशासन कैसे चलता है, तो ग्रामीण भारत में प्रशासन चलता है पंचायत राज सिस्टम से। ग्रामीण भारत में भी वो संकल्पना है कि जहां लोग चलाते हैं। ये पंचायत राज सिस्टम का भी मूल जो संकल्पना है वो है लोकतंत्र। यहां त्रिस्तरीय रचना होती है पंचायत राज सिस्टम में। सबसे पहले तो गांव के लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत के नेक्स्ट लेवल पे होता है तहसील, ब्लॉक, वहां होती है तहसील की पंचायत, और नेक्स्ट लेवल तीसरा लेवल है वो है जिले का लेवल जहां होते हैं जिला परिषद। तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऐसे तीन रचनों में होता है ये पंचायत राज सिस्टम, जो हमारे देश में पूरे ग्रामीण इलाके में आज की तारीख में ऐसे हमारा कारोबार चलता है। जो कोई व्यक्ति किसी गांव में अगर रहता है तो वो अपने ग्राम पंचायत के लिए भी सदस्य को चुन के देता है, लेकिन वही सदस्य वो पंचायत समिति के सदस्यों को भी चुन के देता है। वही पर्सन, वही व्यक्ति, वही नागरिक फिर ZP के लिए, जिला परिषद के लिए जो पर्सन होता है उनको भी चुन के देता है, क्योंकि गांव से बनता है ग्राम पंचायत, इन ग्राम पंचायत से बनती है पंचायत समिति और पंचायत समिति से बनती है जिला। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है, शहरों में भी सेम तरह की एक त्रिस्तरीय रचना है। जैसा हमने ग्राम पंचायत में देखा वैसे शहरों में भी है। शहरों में भी तीन अलग अलग लेवल के काउंसिल्स है और ये जो रचना है ये भी लोक संख्या के अनुसार है। तो छोटी लोक संख्या रहने होने वाले जो शहर है उनको हम लोग कहेंगे नगर पंचायत, उससे बड़ी
जो उसके बड़ी जो शहर है उनकी लोक संख्या है उन्हें वहां होती है नगर पालिका, और उसके बड़े जो शहर होते हैं वहां होते हैं नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब ये तीन जो त्रिस्तरीय रचना है, जो त्रिस्तरीय रचना पंचायत राज सिस्टम जैसे ही है, लेकिन उसमें मूलभूत बदल यह है कि यहाँ एक शहर का दूसरे शहर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होता। हर शहर का अपना अपना एक सिस्टम होता है, गांव में वैसा नहीं होता। गांव से बनती है ग्राम पंचायत और उसी गांव से बनती है पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन वहां ऐसे नहीं है। वहां अगर आप पंचायत समिति है तो पंचायत समिति अलग है, सॉरी नगर पंचायत अलग है, नगर पालिका अलग है, और ये दोनों अलग अलग जैसे से अपने अपने से उनका कोई ताल्लुकात टेक्निकल या फाइनेंशियल नहीं होता है। ये सभी अपने आप में करने वाले एक स्थानिक स्वराज्य संस्था होती है। तो सबसे पहले आती है नगर पंचायत। अब नगर पंचायत यानी ऐसे छोटे शहर जहां लोक संख्या होती है 10,000 से लेके 25,000, 10,000 से होती है 40,000 तक, 50,000 तक। अभी हमारे राज्य में ये लोक संख्या कितनी होनी चाहिए कि इसे हम नगर पंचायत बोले, ये उस राज्य के जो गवर्नमेंट है, गवर्नर है, वो सोचती है, वो तय करती है। इसलिए आप देखोगे कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में ये नंबर अलग है। तो किसी राज्य में नगर पंचायत बनती है 10,000 से 25,000 तक, किसी राज्य में बनती है 10,000 से 40,000 तक, किसी राज्य में 10,000 से 50, और किसी राज्य में 10,000 से 1,00,000 तक। तो हमारे देश में कुल 2,182 इतने नगर पंचायत। नेक्स्ट जो है वो नगर पालिका। जब इन शहरों की लोक संख्या 1,00,000 से बढ़कर 10,00,000 के बीच में होती है तो उन्हें म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका ऐसे कहते हैं। दोस्तों ये जो नगर पालिका है ये बहुत बड़े क्षेत्र में हमारे या है। और नेक्स्ट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी वो नगर पर वो शहर जहां उनकी लोक संख्या 10,00,000 से भी ज्यादा। तो ऐसे हमारे देश में कुल 109 ऐसे शहर है कि जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलती है। तो भी इस शहरों का ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सभी शहरों को चलाने वाली ये एक परिषद है, इनका क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम करते हैं? तो अगर आप ये पूरा एवोल्यूशन देखोगे किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, तो सबसे पहला प्राथमिक कार्य क्या था कि अपने लोगों का रक्षण करना, और उसके बाद फिर अलग अलग बाकी के सब फंक्शन कार्य की शुरुआत हुई। तो आज की तारीख में अगर हम देखोगे समझेंगे तो आज हमारा एक महान देश है, इस देश के अंदर ये सब शहर है। तो ये जो सुरक्षा का जो विषय है, ये सुरक्षा का विषय देश एज ए देश हम लोग लेते हैं, लेकिन बाकी के सभी फंक्शंस, बाकी के सभी ऐसे कार्य कि जो लोगों के हित में है, जिससे हम अपने शहर के लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति अच्छी कर सकते हैं, उनका जीवन बेहतर कर सकते हैं, उन्हें जो बेसिक सोई सुविधा चाहिए उससे लेके वो कैसे खुद को डेवलप कर सकते हैं, इन सभी चीजों में कार्य कर सकती है ये म्युनिसिपल काउंसिल। दोस्तों इसीलिए लोगों को जो जरूरी चीजें वो पूरी देने का, उसको प्रोवाइड करने का जिम्मा होता है उस म्युनिसिपल काउंसिल के ऊपर। शुरुआत करते हैं पानी, वाटर सप्लाई। पानी हर हर घर को प्रॉपर पानी मिलना चाहिए, इसका ख्याल रखती है म्युनिसिपैलिटी। उसके अलावा वहां के लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इसलिए दवाखाना हो, हॉस्पिटल है, ये भी तैयार कर सकती है म्युनिसिपल काउंसिल। नेक्स्ट वहां के जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की जरूरत है, जो गरीब हो सकते हैं, उनके लिए स्कूल शुरुआत कर सकती है म्युनिसिपल काउंसिल। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इतनी सब जब आबादी होती है, लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कई तरह के कम्युनिकेशन का साधन तैयार कर सकते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, जिसमें रोड अहम है। नेक्स्ट स्ट्रीट, सार्वजनिक जगहों पे जो लाइटिंग होती है उसका भी ख्याल रखती है म्युनिसिपल काउंसिल, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो कोई भी सार्वजनिक जगह हो, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था करती है। ड्रेनेज, चाहे वो समुद्र, चाहे वो बरसात के पानी का ड्रेनेज हो, चाहे वो हमारे टॉयलेट का ड्रेनेज हो, या कोई भी ऐसा वेस्ट वाटर का ड्रेनेज जो हम लोग वेस्ट वाटर जो वहाँ के नागरिक तैयार करते हैं, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम का ख्याल रखती है म्युनिसिपल काउंसिल। फायर ब्रिगेड, तो अग्निशमन का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है म्युनिसिपल काउंसिल का। मार्केट प्लेसेस, दोस्तों हमारे इस शहर के
इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था कैसे बेहतर बने, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है म्युनिसिपल काउंसिल, क्योंकि ये बहुत अहम ऐसा सब्जेक्ट है। वहां रस्तों पे जो व्यावसायिक काम करते, छोटे मोटे धंधे करते, उनसे लेके बड़ी बड़ी जो बिजनेस हाउसेस है जहां आप ऑफिस कर सकते हैं, कार्यालय तैयार कर सकते हो, ऐसी सब चीजों की व्यवस्था करने के लिए जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है वो करती है म्युनिसिपल काउंसिल। तो मार्केट प्लेसेस का इंतजाम करना या किसी बिजनेस हाउसेस के लिए एक सीबीडी, एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनानी, ये सभी काम करती है बिजनेस काउंसिल, ये म्युनिसिपल काउंसिल। इसके अलावा अपने शहर में जो लोग हैं उन लोगों का सेंसस, उन लोगों का जन्म नोंदनी, जन्म बर्थ रजिस्ट्रेशन, मृत्यु नोंदनी या डेथ रजिस्ट्रेशन, ये सब ख्याल रखती है म्युनिसिपल काउंसिल। उसके अलावा सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, जो साफ सफाई है, इसका भी ख्याल रखती है म्युनिसिपल काउंसिल। कचरा, जब इतने सारे लोग आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि कई सारा सॉलिड वेस्ट तैयार होता है, तो ये सभी जो सॉलिड वेस्ट हमारे शहर में तैयार होता है इसको कलेक्ट करने का और उसकी साइंटिफिक शास्त्रीय जो व्यवस्थापन करना है उसकी भी जिम्मेदारी होती है म्युनिसिपल काउंसिल। और सिर्फ सॉलिड वेस्ट ही नहीं, लिक्विड वेस्ट, जिसमें टॉयलेट की टॉयलेट का पानी है या बाकी का जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ग्रे वाटर है, इस सभी पानी के लिए हर मैक्सिमम जो शहर है, मैक्सिमम जो म्युनिसिपल काउंसिल है, वो एसटीपी, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए या पानी के ऊपर प्रक्रिया करने वाले प्लांट, ऐसे लगाते हैं, क्योंकि ये उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी होती है। और अपने बच्चे है, युवा है, उनके एक अच्छी सेहत के लिए, उनके खेल कूद के लिए भी इंतजाम करती है म्युनिसिपल काउंसिल। तो वहाँ प्लेग्राउंड्स है, मैदाने हैं, यहाँ तक कि जो बूढ़े लोग रहते हैं हमारे शहरों में उनके लिए भी जो उद्यान है, पार्क है, ये सभी, इसका भी इंतजाम, इसकी भी जिम्मेदारी म्युनिसिपल काउंसिल की होती है। तो म्युनिसिपल काउंसिल ये वो सभी चीज कर सकती है कि जिससे थोड़ी सी ज्यादा इनकम म्युनिसिपल काउंसिल की हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर शहरों में जो लोग रहते हैं उनको अच्छे सोई सुविधा देनी है, उनके उनके लिए अच्छे इंतजाम करने हैं, उनकी लाइफ बेहतर बनानी है, तो उसके लिए फिर पैसे चाहिए। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो अपने शहर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी है जिससे दो पैसे मिल सकते हैं, ये सभी तरह के काम कर सकती है म्युनिसिपल काउंसिल। दोस्तों, ये सभी जो कार्य है म्युनिसिपल काउंसिल करती है वो शायद मैं आपको यहाँ इस वक्त में बता नहीं सकता। मुझे लगता है आप जब पढ़ेंगे, आप अपने शहरों में, अपने तहसील में, शहरों में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि म्युनिसिपल काउंसिल क्या क्या काम करती है, क्या क्या जिम्मेदारी उनकी हो सकती है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, किस वजह से ये संकल्पना की शुरुआत हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि उन सबका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कैसे इस शहर को बेहतर बने, कैसे इस शहर में जो रहने वाले जो नागरिक है उनका सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक बेटरमेंट करें, डेवलपमेंट करें, विकास करें, यही उनका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य होता है। और इसके लिए जो जरूरी है वो सभी कुछ कर सकती है म्युनिसिपल काउंसिल। तो अभी ये करने के लिए जो पैसे चाहिए, तो पैसे कहां से आते हैं? तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सोर्स इस म्युनिसिपल काउंसिल्स का है वो है टैक्सेस। जो लोग शहर में रहते हैं उनसे कई तरह के टैक्सेस, कर ये म्युनिसिपल काउंसिल वसूल करती है। तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स, आप जहां दुकान है अगर आपका है तो शॉप का टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वाटर जो पानी सप्लाई पानी का टैक्स, हाउस का एक अपना एक अलग टैक्स होता है, तो ये सभी की तरह के अलग अलग टैक्सेस म्युनिसिपैलिटी कर सकती है। और ये भी यूनिफॉर्म नहीं है, हर शहर अपने अपनी जो स्थानीय परिस्थिति है वो देख के अलग अलग टैक्स का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा कुछ शहर ऐसे होते हैं कि जो एंट्री के ऊपर टैक्स लगाते हैं, जिन्हें टोल टैक्स या एंट्री टैक्स कहते हैं। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज, तो जैसे मैंने कहा कि हर म्युनिसिपल काउंसिल इनकम बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकती है। तो अगर वहां उन्हें पर्यटन को बेहतर बनाना है, कुछ दूसरी चीज का निर्माण करना है, और ये चीज निर्माण करके उससे फिर टैक्स वसूल कर सकते हैं या प्रवेश शुल्क वसूल कर सकते हैं, और ये भी एक अच्छा इनकम म्युनिसिपैलिटी को हो सकता है। उसके अलावा जो लोग उस शहर में रहते हैं वो किसी बहुत सारे टैक्सेस भरते हैं, यानी केंद्र सरकार को कोई टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को टैक्स देते हैं, तो इस केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो टैक्स मिलते हैं उनका भी एक शेयर इनको प्राप्त होता है। उसके अलावा हमारे शहर को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है, रोड्स हो, ब्रिजेस हो, या कुछ ऐसी सुविधा जो लोगों के लिए जरूरत है उसका निर्माण करना है, तो
तो उसके लिए ये म्युनिसिपल काउंसिल लोन भी ले सकती है। जैसे हम बैंक के बैंक का लोन लेते हैं, वैसे ही बैंक कोई भी वित्तीय संस्था इससे म्युनिसिपल काउंसिल लोन ले सकती है। और सिर्फ अंतरदेशीय ही नहीं, बाहर के अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी कोई जो वित्तीय संस्था है उनसे भी ये लोन ले सकती है। प्रोफेशनल टैक्स, उस शहर में रहने वाले जो प्रोफेशनल्स है, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, सीए, सीएस, टैक्स कंसल्टेंट, ये सभी जो लोग हैं जो उस शहर में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे भी एक प्रोफेशनल टैक्स वहां के म्युनिसिपल काउंसिल लेती है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो शहर, जो उस म्युनिसिपल काउंसिल ने लोगों के लिए तैयार की है खर्चा करके, तो उससे वो टैक्स ले सकती है। तो इस शहर में, हमारे देश में अभी इतने सारे अलग अलग तरह के शहर हमने देखे, तो कई सारे चुनौती अभी आज हम लोग देखते हैं, कई सारी समस्या आज हमारे सामने है। उसमें से सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है बहुत तेजी से बढ़ने वाली आबादी, बहुत तेजी से बढ़ने वाले शहर। आबादी मतलब शहर, ये शहर आज के तारीख में इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि शहर अगर उसकी जो ग्रोथ है, एक तो हो सकती है प्राकृतिक ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ। अगर उस शहर में 2-5 लाख लोग है, उनकी जो बर्थ रेट है उसके हिसाब से वो शहर बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आज की तारीख में सभी शहर बढ़ रहे हैं बहुत बहुत फास्ट। हर शहर की अपनी कैपेसिटी होती है ना, कि वहां इतना वो क्षेत्र है और वहां इतने सारे लोगों को हाउसिंग, बाकी की सब फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उससे कई ज्यादा आज लोग आ रहे हैं, इतने ज्यादा पैमाने पर लोग आते हैं। और जो बड़े बड़े शहर हैं अपने देश के, वहां तो आप देखोगे जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, वहां तो लोग इतने, क्योंकि वहां की जो लाइफस्टाइल है वो शायद बहुत डिफरेंट होती है, लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो इतने पैमाने पर लोग आते हैं कि वहां आजू बाजू एक अर्बन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। यानी आजू बाजू के सभी शहर जो मर्ज हो चुके हैं, इतने बड़े पैमाने पर वो शहर बन चुके हैं। यानी आप कब एक शहर की बाउंड्री छोड़ के दूसरे शहर में जाओगे आपको पता ही नहीं चले। मुंबई में कब आप मुंबई छोड़ के थाना जा रहे हो, पनवेल जा रहे हो, नवी मुंबई जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसा हर जगह हो रहा है, और इतनी जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है सिटीज का, शहरों का, उसकी वजह से कई सारी समस्या का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले समस्या है भीड़ की, जहां देखो वहां आपको भीड़ नजर आएगी। यानी सिर्फ मार्केट प्लेसेस, सिर्फ स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो या बस स्थानक हो, सिर्फ इस पे नहीं, सिर्फ कार्यालय पे नहीं, तो बहुत सारी जगह पे। और इस भीड़ की वजह से क्या होता है कि हर शहर का अपनी एक सुंदरता होती है। कोई भी शहर हो, कि छोटा हो बड़ा हो, वो सुंदरता फिर इस भीड़ में खो जाती है। हर शहर का अपने कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है, और ये संस्कृति भी इस भीड़ में कहीं खो जाती है। दोस्तों, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो परेशानी है वो है हाउसिंग, घर की। इतने सारे लोग सब आएंगे शहरों में बसेंगे, तो फिर लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती पर्याप्त। तो इसलिए बहुत सारे लोग शहरों में न रह के, शहरों में क्यों आते हैं, तो रोजी रोटी के लिए, काम धंधा के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन रहते कहाँ है, बाहर, जहाँ अवेलेबल हो, उपलब्ध हो घर। तो बहुत सारे लोग तो काम करते हैं शहर में, लेकिन रहते हैं बाहर, आने के लिए 2 घंटा, जाने के लिए 2 घंटा, 4-5 घंटा तो उनका सिर्फ, कभी कभी सिर्फ इस ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिसोर्स, इन लोगों का रिसोर्स, जो टाइम, जो रिसोर्स है इंपॉर्टेंट, वो आज हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है। तो स्थानिक ट्रेनें हैं, स्थानिक बस है, इन पे बहुत सारे प्रेशर आज हम लोग देख सकते हैं। स्लम्स, झोपड़पट्टी, बाहर जाने के इतने प्रॉब्लम होते हैं कि लोग वही झोपड़पट्टी में रहने लगते हैं। और झोपड़पट्टी में कैसे, तो 3-3 मंजिली झोपड़पट्टी होती, ग्राउंड 1 और 2, ऐसी झोपड़पट्टी में लोग रहते, कैसे उनकी सुविधा क्या होगा। और सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वहां रहने वाले परिवार और उनके बच्चों का होता है। किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी रिसोर्स, धरोहर क्या है, तो वह बच्चे और युवा। और बच्चे अगर ऐसे झोपड़पट्टी में पढ़ेंगे, बड़े होंगे, तो कैसे उनका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई, उनकी आदतें, और कैसे आगे के समाज का हम लोग निर्माण करेंगे। तो इस झोपड़पट्टी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, हमारे क्राइम्स शहर के बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, शहरों में अभी बेरोजगारी भी बहुत बढ़ती है इसकी वजह से,
वो ज्यादा लोग आने की वजह से, क्योंकि एक क्षमता होती है शहर की और इतने सारे लोग आते हैं। अभी वहां के ऑलरेडी जो लोग हैं उनकी तो है बेरोजगार की समस्या, लेकिन बाहर के लोग आते हैं वो भी होती है, बढ़ती है समस्या। और ये बेरोजगारी भी दो प्रकार की होती है, एक तो वो बेरोजगार जो हमें दिखाई देते हैं जो घर में बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ काम नहीं, लेकिन दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो हमें लगते हैं काम करते लेकिन वो उन्हें कहते हैं छुपी बेरोजगारी, यानी वो ऐसा काम करते हैं जो अगर उन्होंने पढ़ाई की अच्छी तो उनके लेवल का काम ना करके कोई बहुत जो छोटा ऐसा काम है वो करते हैं, और उनकी पढ़ाई का, उनके स्किल का, उनकी कुशलता का कोई फायदा देश को नहीं होता, उसे कहते हैं छुपी बेरोजगारी। और ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो ये दोनों तरह की बेरोजगारी आज शहरों में दिखाई देती है। वाटर सप्लाई, तो एक बार इतने लोग जब आते हैं तो बाकी वहां की जो पालिका प्रशासन है उसकी सब जो कैपेसिटीज है उस पर बहुत सारा प्रेशर आता है। तो पानी के प्रॉब्लम है, जो लोग वहां रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनकी बेसिक चीजें कुछ लगती है, नहाना होता है, टॉयलेट की व्यवस्था है, बाकी सब चीजों की व्यवस्था है, और इन सभी चीजों की के ऊपर बहुत सारा प्रेशर फिर आता है, और बाद में फिर लोगों की ऐसी अवस्था हो जाती है। सॉलिड वेस्ट का भी बहुत बड़ी समस्या हमारी ऑलमोस्ट हर शहर में। एक तो अच्छी बात है कि 2014 से वो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, उसकी वजह से कचरा शायद आपको रास्ते पे ऐसे दिखाई ना दे, लेकिन जो कचरा आज हम लोग कलेक्ट करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एक सेस इनकम टैक्स से मिलता है, और उसकी उसकी वजह से बहुत सारा पैसा नगर पालिका को मिला है, काउंसिल को मिला, कि जिसके वजह से वो अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, लेकिन वो सभी लेके कचरा वो क्या करते हैं तो बाहर शहरों के बाहर अभी उस कचरे के बहुत बड़े पहाड़ उन्होंने बनाए, और ये कचरे के पहाड़ क्या करते हैं तो जमीन खराब करते हैं, पानी खराब करते हैं, उस पहाड़ को कम करने के लिए यही लोग फिर उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद जो धुआं निकलता है वो तो डायरेक्ट कार्सिनोजेंस है, वो धुआं अगर आप इनहेल करोगे तो आपको कैंसर कैंसर हो जाएगा, ऐसे वो नॉन कार्सिनोजेंस है। और अर्बन क्राइम्स, और इन सभी की वजह से शहरों में बहुत बड़ी लेवल पे अभी क्राइम्स बढ़ रहे हैं। पोल्यूशन, इतने सारे लोग जब रहेंगे उनकी गाड़ियां, उन गाड़ियों का पोल्यूशन तो है, लेकिन ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इशू है, आपने कभी देखा है कभी कोई रबड़ या कोई प्लास्टिक को जलाते हुए? कभी आप देखना कि जब वो रबड़ जलता है, जब वो प्लास्टिक जलता है, कितना धुआं तैयार होता है, और लोग मैक्सिमम लोग कचरे को जला रहे हैं आज, जिसकी वजह से पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर हुई है। और नेक्स्ट पानी, दोस्तों हर शहर, हमारे भारत का, दुनिया का हर शहर, लेकिन मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, भारत का हर कोई भी छोटा बड़ा शहर हो, किसी न इसी पानी के स्रोत के यहाँ वो बसा है, नदियां है, तालाब है, इसके वजह से तो वो एग्रीकल्चर अच्छी हुई, और एग्रीकल्चर वो खेती की वजह से हम लोग वहां बसने लगे और शहर बसने लगा। तो जिसकी वजह से आज हम बसने लगे, हमारी शुरुआत हुई, हमारा अस्तित्व की शुरुआत हुई, अभी उसको हम पूरी तरह से मिटा रहे हैं। हर नदी, हर तालाब अगर आप देखोगे तो उसको सिर्फ गटर बना के रखा है हमने। जो भी सॉलिड वेस्ट हो, टॉयलेट का पानी हो, पूरा ड्रेन हो, आज उसमें डालते हैं। और ऑलमोस्ट हर शहर में जहाँ पहले अच्छी नदियां बहती थी, वहां आज हम लोग देखते कि गटर जैसी नदियों को तैयार करके रखा है हम लोगों ने। और ये सिर्फ छोटे छोटे शहरों में नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी है। बड़े बड़े शहरों में भी आप देखोगे तो नदी पानी के सोर्स बहुत भयानक अवस्था उनकी है। और इतना ही नहीं, जो नदी होती है, नदी का एक पात्र होता है, ऐसा समझे कि साल में 4-5 महीना उसमें पानी हो सकता है, बाकी का पानी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कुदरत आती है वैसे वो फ्लो चलता है। अभी हमारे लोग कुछ तो उस पात्र में भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, बाकी कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उनको वहां उस कंस्ट्रक्शन करने के बाद उनको वहां लाइट मिलती है, उनको पानी का कनेक्शन मिलता है, उनको प्रॉपर म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स मिलता है, और वो पूरा ये सभी जो एनक्रोचमेंट है वो प्रॉपर कानूनी हो जाता है। दोस्तों ये सभी जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया ना, ये शायद मैं पूरी तरह से बता भी नहीं सकता, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं शहरों में। एक समस्या अगर आप लोगों ने, एक झोपड़पट्टी की समस्या लोगे तो उसमें 100 प्रॉब्लम्स है, 100 अलग अलग तरह। वाटर सप्लाई की एक समस्या लोगे तो उसे 50 प्रॉब्लम मैं आपको बता सकता हूँ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के उसको और 50 प्रॉब्लम मैं आपको बता सकता हूँ। तो प्रॉब्लम समस्या तो, और हर शहर का एक अलग अलग अपना प्रॉब्लम है, अलग अलग चीजें है, अलग अलग व्यवस्था, तो अलग अलग तरह की चुनौतियां उनके सामने हो सकती है। तो क्या, तो ये सभी काउंसिल इस प्रॉब्लम्स के लिए क्या सोल्यूशन करती है, तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले मैक्सिमम काउंसिल ये करती है कि कैसे हम इस काउंसिल का, इस नगर पंचायत का, नगर परिषद का हम लोग इनकम बढ़ाए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। क्योंकि अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा इनकम होगा, तो तभी हम लोग इस इनकम से लोगों की ये जो परेशानियां दूर कर पाएंगे, एक अच्छी बेहतर जिंदगी उनको दे पाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं कि रिसोर्सेस, जो जितने भी रिसोर्सेस हमारे शहर में जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि कई सारे कमर्शियल एक्टिविटीज में भी म्युनिसिपैलिटी काउंसिल पैसे डालती है, इन्वेस्ट करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए वहां के। अगर पर्यटन का कुछ स्कोप है वो करे, कुछ मंदिर है, कुछ मस्जिद है अच्छी जिसको बेहतर बना सकते हैं, कुछ पोर्ट है, कुछ समंदर, ऐसे कोई सारी चीज है जो सोचते हैं और उसके ऊपर फिर पैसा कमाने की हम लोग कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां का कार्य व्यवस्थापन है उसको बेहतर बनाना, क्योंकि हर शहर में ये जो गंदगी बढ़ रही है वो किसी ना किसी गैर कानूनी गलत चीज के वजह से हो रही है। तो अगर हम बेहतर अपनी कार्य कौशल अगर व्यवस्थापन करें तो ये चीजें बहुत कम कर सकती है। इसलिए बहुत सारे काउंसिल उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और ऑफकोर्स लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग जो है, कई सारे चीजें तो हम लोगों के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो लोगों को इसके बारे में बताना, लोगों के बीच में जन जागृति करना, और लोगों को फिर लोगों को साथ लेके फिर ये सभी प्रॉब्लम्स को दूर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा सॉल्यूशन है जिसके ऊपर कई सारे कॉर्पोरेशंस काम करती है। लेकिन दोस्तों, एमसीएल की सोच थोड़ी सी इससे अलग है। अभी ये सभी जो हमारे देश में अगर आप देखोगे तो अर्बनाइजेशन, ये शहरीकरण धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, शायद जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 50% लोग शहरों में रह रहे हैं, और हर तरह के शहर है, छोटे शहर, बड़े शहर, और हर शहर की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी अपनी चुनौती है, अपनी अपनी कल्चर है, सब कुछ है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, सब कुछ है। और हर काउंसिल, हर जो व्यवस्थापन करने वाला ये जो नगर परिषद, ये जो संस्था है, ये अपने अपने तरीके से इसको उसको मेहनत भी कर रही, उसके ऊपर काम भी कर रही, लोग भी शायद काम कर रहे हैं। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर, ये सभी चुनौतियां, ये सभी प्रॉब्लम्स आज हमें नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर शहर में नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रांग सॉल्यूशन है। इसके ऊपर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो लॉन्ग लास्टिंग है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सस्टेनेबल है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो शायद सभी प्रॉब्लम के ऊपर एक सबसे बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग ऐसा उपाय हो सकता है। और वो सॉल्यूशन क्या है? तो वो सॉल्यूशन है खेती, वो सॉल्यूशन है एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास। दोस्तों, कहां से आते हैं ये लोग? शहरों में ये लोग कहां से आते हैं? अपना अपना गांव छोड़ के तो आ रहे हुआ, क्यों जा रहे? तो जा रहे इसीलिए कि उनको रोजी रोटी की कुछ इंतजाम हो, उनको कुछ नौकरी मिले, उनके बच्चों के लिए कुछ बेहतर एजुकेशन मिले, इसलिए तो जा रहे। और क्या छोड़ के जा रहे? तो अपने गांव। अरे, अपने गांव में इतनी कैपेसिटी है, इस खेती में इतनी कैपेसिटी है कि 90% ऑफ द टाइम दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर हम लोग किसी के डिपेंड पे, किसी के भरोसे अगर थे तो वो थे एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर ही थे जिसकी वजह से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी थे। पूरे दुनिया के लिए 30% इनकम हम लोग तैयार करते थे, 30% इनकम। मैं तो कहता हूं कि जो लोग हमारा गांव छोड़ के शहरों में जाके बैठे ना, वो तो जाने दीजिए, जो शहरों में लोग बैठे ना उनको भी पूरी तरह से बहुत अच्छा इनकम दे सकते हैं अपने एग्रीकल्चर। अरे, इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है हमारा, कुदरत ने इतना कुछ दिया है हमें, इस भारत को, इस एग्रीकल्चर को, कि आपको पता नहीं कि इसमें क्या पोटेंशियल है। आपको लगता होगा कि वो 90% ऑफ द टाइम वो तो पुराना जमाना था, अभी तो नया जमाना है, नया जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, नया जमाने में फैक्ट्री होनी चाहिए, ऑफिस होनी चाहिए, तब जाके होगा। अभी गांव में क्या रखा है? गांव में थोड़ी ऐसा पहले जैसा होगा जैसे पहले हुआ था। पहले ठीक है, हम लोग बहुत बड़े थे, अभी कैसे होगा वो? दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं कि जो पहले होता था ना, जब पहले हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तब जितनी अपॉर्चुनिटी थी, वो जो पीरियड था उससे 100 गुना बेहतर पीरियड आज की तारीख में। पूरी दुनिया ने इस विकास के नाम पर, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर, एनर्जी के लिए किसका सहारा लिया?
किसकी तरफ देखा तो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को एनर्जी करके इस्तेमाल किया और वह फिर ग्रोथ की, और यही क्रूड ऑयल फिर बाकी के दूसरे क्षेत्र में भी लेके हम लोगों ने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाए। सिर्फ 200 सालों में इस क्रूड ऑयल की वजह से पूरी दुनिया तबाही के कगार पे, जिस करोड़ों सालों को इस धरती माने इसका ख्याल रखा है उसको 200 सालों में हमने पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। आज ऐसी परिस्थिति है, इतनी खराब परिस्थिति बाहर है, और सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में, कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम लोग, हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही हो, एग्रीकल्चर। यानी पहले तो शायद इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज है। आज अपने गांव में जाओ, हर इंच, हर बीघा, हर एकड़ में जितना ज्यादा हो सकता है उतना तैयार करो, आप पूरी दुनिया को बेच सकते हैं हम लोग। आज ऐसी परिस्थिति है कि हमें, अगर हम अपने इस गांव में जाएंगे तो इस गांव में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। और अगर आप फैक्ट्री की बात करो तो फैक्ट्री तो लगानी ही पड़ेगी ना, कम से कम कंपल्सरी फैक्ट्री तो कंपल्सरी लगानी है। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल तैयार होगा वो तो फैक्ट्री तो लगानी ही पड़ेगी ना, कम से कंपल्सरी वो प्रोडक्ट तैयार करने पड़ेंगे तब जाके बेचेंगे। तो ये सभी फैक्ट्रियां इतनी इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं हम लोग, इतनी आमदनी लोगों की, हमारे किसानों की बढ़ सकती है, इसका अंदाजा ही नहीं है। हम एक ही सोल्यूशन है, ये सभी प्रॉब्लम जो भी किसी भी शहर में कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो मैं समझता हूँ एक ही सोल्यूशन है। हमें अपनी जो ग्रामीण, जो हमारी अर्थव्यवस्था, उसको मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तों मैं एक डॉक्टर हूं, अगर आपको कभी स्पॉन्डिलिसिस का अगर आपको तकलीफ हो रही है, स्पॉन्डिलिसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, आप डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे मेरी जो हाथ है, हाथ में बिल्कुल अभी पावर नहीं है, मैं हाथ से कुछ उठा नहीं पाता, लिख नहीं पाता, और बहुत दर्द करता है, बहुत और यही से नीचे ही से बहुत ज्यादा दर्द करता है, और डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ आपका जो नेक है ना, इस गर्दन के यहाँ पीछे इंजेक्शन देगा और ये सही करेगा। प्रॉब्लम तो यहाँ और सोल्यूशन यहाँ, वैसे ही प्रॉब्लम वहां शहरों में, सोल्यूशन गाँव में है। एक ही सोल्यूशन है, हमें अपने गाँव जाके हमारी इस खेती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा तो सब कुछ पॉसिबल है, सभी कुछ व्यवस्था, अगर जो भी व्यवस्था आपको चाहिए जिसकी वजह से आज आप जा रहे हैं वहां शहरों में, वो कोई जाने की जरूरत नहीं है। और इस कोरोना ने तो इतना अच्छा दिखा दिया है, कोरोना में पहली बार शायद लोग इतने देर तक अपने अपने गांव में जाके रहे, कोरोना ने आईना दिखाया है, कोरोना ने बताया कि आप इतने दिन से आप यहाँ शहरों में ऐसे रहते थे, गाँव में रह के देखिए क्या क्या होता है, और हमने देखा, महसूस किया, भगवान ने, कुदरत ने दिखा दिया हमको कि किस तरह से फर्क हो सकता है। और अगर ये सब परिस्थिति बदलनी है, ये रूरल ग्रामीण विकास या कृषि, इसको बेहतर करना है, पूरे देश को फिर से बड़ी इकोनॉमी करना है, तो एक ही व्यक्ति ये कर सकता है, और वो है हमारा किसान। एक ही, कोई नहीं कर सकता। और हमारा, आपका, हमारे इस एमसीएल परिवार का सिर्फ एक ही मकसद है, कोशिश है कि सिर्फ इसको पूरी तरह से इसको एम्पावर करना, इसके हाथ मजबूत करना, जो भी चाहिए हमारे किसान को वो देना, उसके लिए सब कुछ व्यवस्था का निर्माण करना, ये अपना काम है। और दोस्तों अगर ये करने का सबसे बढ़िया तरीका अगर कुछ है, करेगा कौन, तो हमारा किसान, वही राजा है, वही ये सब पॉसिबल कर सकता है। लेकिन जो पद्धति है करने की, वो सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट पद्धति अगर कुछ है, वो है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। इस एमसीएल में जो भी विजन और मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं, हमारी ये पूरी व्यवस्था, हमारा पूरा ही जो परिवार काम कर रहा है, कोई भी विजन हो, कोई भी मिशन हो, ये सिर्फ एमवीपी, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट ही उसको जरिया बन सकता है साकार करने का। हर एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के एंटरप्रेन्योर, जो उद्योजक है, उन्हें सिर्फ अपने ग्राम पंचायत का ख्याल रखना चाहिए। अरे आपके पास 1500, 2000, 2500, 3000 एकड़ इतनी जमीन है, करिए ना कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लोग किसानों को दे पाए, ज्यादा से ज्यादा उससे माल निकाले, प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा किसानों को दे, उनको कमा के दे, तो आपको भी मिलने वाले, और ये पूरी व्यवस्था एक अलग व्यवस्था होगी। आज एक गांव क्या कर सकता है और किस तरह से बदल सकता है, ऐसा कितना अच्छा एग्जांपल मैडम ने अभी दिया, इतना डिटेल में मुझे भी नहीं मालूम था कि कैसे शहर का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जाके उन्होंने किया था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, आज पहली बार पता चला। हमें वही करना है, करना होगा। और हमारी ये जो माँ है, हमारी जो धरती माँ है, हमारी भारत माता है ना, इसमें बहुत कुछ है। मैं तो कहता हूं कि
हमारे गांव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले तो है, शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, ये छोड़ आजू बाजू के जो हमारे देश है ना, अभी श्रीलंका में इतनी कठिन परिस्थिति है, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, सबको खिला सकते हैं हम लोग, इतना हमारे पास है, इतना दिया है कुदरत ने हम, हमें सिर्फ क्या करना होगा, हमें अपने गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। जो भी चीज जिसकी जिसकी वजह से आज लोग गांव छोड़ के शहरों में जा रहे हैं ना, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हमारे गांव उस सभी चीजों में सक्षम आत्मनिर्भर बन सकते, इनकम हो, बेहतर इनकम, रोजी रोटी हो, उनको उनको बेहतर सोई सुविधा, जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है, एजुकेशन होती है हमारे लोगों के लिए, वो कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं हमारे गांव में, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों यही तरीका है। और अगर जहां तक म्युनिसिपल काउंसिल की बात है, ये जो सभी जो शहर है, शहर के प्रशासन यहां तक जो जो बात है, तो एमसीएल का विजन यह है उसमें कि एमसीएल एमसीएल समझती है कि हर कोई व्यवस्थापन, एक गांव का व्यवस्थापन से लेके शहर का व्यवस्थापन से लेके राज्य का व्यवस्थापन, और कहीं भी जाइए आप, हमारा एक बेसिक तत्व भारत का हमेशा रहा, हमेशा सदियों से, और वो है लोकतंत्र। हमेशा लोग ही है जो इसको, इनके हाथों में उनका फ्यूचर, भविष्य है। तो इसको अगर व्यवस्थापन को बेहतर करना है, हमारे सिटीज, हमारे शहरों को बेहतर करना है, तो उसे सिर्फ लोग ही कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा एक हमारा तंत्र है जो भी सदियों से चालू है कि हर गांव, हर शहर, अभी सर आज शहर की बात करें तो हर शहर एक स्थानिक स्वराज्य संस्था है, टेक्निकली और लीगली भी बात करें तो स्वराज्य संस्था है, और उनको सेल्फ सफिशिएंट होना है, उनको वो कभी भी कोई भी बाहर से आके उनको मदद नहीं करेगा बेहतर बनने के लिए। कोई भी शहर का व्यवस्थापन है, किसी को भी अगर शहर बेहतर करना है, लोगों को बेहतर सोई सुविधा देनी है, तो वो शहर को काम करना पड़ेगा, उनके काउंसिल को काम करना पड़ेगा, उस काउंसिल को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो इसीलिए वो काउंसिल क्या करती है, तो इसलिए वो काउंसिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसलिए वो काउंसिल जो आर्थिक कैसी प्रगति हो हमारे शहर की, उसके लिए काम करती। और इसीलिए उस शहर का व्यवस्थापन क्या करता है कि कैसे उस शहर में जो जो बिजनेसेस है उसके लिए सपोर्ट सिस्टम अच्छी करे, कैसे उस शहर में बाकी की चीजें बेहतर करे ताकि लोगों की इनकम बढ़े, बिजनेसेस बढ़े, और उसके फिर टैक्स, उसी सब चीजें काउंसिल को मिले, इसके लिए काम करती है। और दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स हमारे आज शहरों में, वो दो टाइप के प्रॉब्लम्स है। एक टाइप का प्रॉब्लम ये है कि जो पैसे से सॉल्व कर सकते हैं हम, अगर आपके काउंसिल के पास अच्छा पैसा है तो आप सड़कें अच्छे बना सकते हो, टॉयलेट, सैनिटेशन, जो कुछ सुविधा है, हाउसिंग की जो सुविधा है, वो लोगों को बेहतर कर सकते हो, तो ये वो सब प्रॉब्लम्स है जो पैसों से सॉल्व किए जा सकते हैं। और दूसरे प्रॉब्लम वो है कि जो सिर्फ और सिर्फ लोगों से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका में कोई शहर, या हमारा कोई शहर हो, वो ऐसे प्रॉब्लम्स है, वहां लोगों लोग ही चाहिए, हमारी नदियां, हमारे ये सभी जो पानी, ये सब कचरे की व्यवस्था, ये क्राइम्स, ये जो मेंटेलिटी, सब अच्छा बेहतर करने के लिए लोग चाहिए। और दोस्तों यही तो हमारा बिजनेस मॉडल है, यही तो हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। हर तहसील एमसीएल के लिए, हर तहसील अपने आप में एक राज्य है, हर तहसील को, राज्य को, इस राज्य को, हर तहसील को बेहतर बनाना, ये हमारा मकसद है। और आपका कोई भी शहर हो, कोई भी नगर पालिका हो, कोई भी नगर पंचायत हो, या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इवन हो, वो किसी ना किसी तहसील में है, तो आप जिस तहसील में आप काम कर रहे हो, उस तहसील में कोई ना कोई शहर होगा, है आज की तारीख में। तो जब हम लोग, हमने एक व्यवस्था का निर्माण किया है, एक कंपनी का निर्माण करते हैं हम लोग, जिसका नाम है स्टार्टअप, एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप, और उसके अंदर पुजट करके ज्यादा से ज्यादा कैसे बिजनेस कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग सभी लोग मिलकर, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा करें, कमाएं, और अपने तहसील को एक सुजलाम सुपलम राज्य बनाए, ये अपना मकसद है। और इस राज्य को जब बनाना है, जब सुजलाम सुपलम करना है, तो सुजलाम सुपलम सिर्फ ग्रामीण तहसील को नहीं करना, शहरी तहसील को भी करना है, ये सभी शहर नगर पालिका आप, तो वहां भी काम करना है। आज हर ग्राम पंचायत के लिए अपने पास एक प्रॉपर रोड मैप है, एक प्रॉपर तरीका है, बिजनेस सिस्टम है कि हम लोग कैसे काम करने वाले, कैसे एमवीपी काम करेंगे, कैसी उनकी इनकम होगी, सब कुछ है।
और वैसे सभी व्यवस्था आने वाले दिनों में इस शहरों में होने वाली है। अभी ये जो हम माल का उत्पादन करेंगे, फ्यूल तैयार करेंगे, बेहतर खाना तैयार करेंगे, ये तो पूरी दुनिया में तो हम लोग बेच ही सकते हैं, मैं हमेशा बार बार आपको बोलता हूँ। लेकिन हमारे जो शहर है, जो हमारे तहसील में बसे, उन्हें भी तो हमें सेल्फ सफिशिएंट करना है, उन्हें भी तो ग्रीन करना है। हर घर का जो अपना रसोई का गैस है उसको 100% रिप्लेस करना है आपके गैस के साथ। जो भी गाड़ी आज चल रही है, टू व्हीलर से लेके बस तक या रिक्शा से लेके ट्रक तक, ये सभी गाड़ियों को हमें अपने इस स्वच्छ ईंधन के ऊपर चलाना है। ये भी तो बेचना है वहां उस तहसील में, उस शहरों में। जो आज कैंसर युक्त जो खाना आज बट रहा है, जिसको लोग खा रहे हैं, उसको रिप्लेस करना है। कल जाके वड़ा पाव होगा तो 100% वड़ा पाव होगा जिसको हम लोग बेचेंगे शहरों में। तो ये सभी काम करना है और इसकी भी एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट सब कुछ रेडी है, जो समय पे बहुत ही, ये फैक्ट्री लगने के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि क्या एक्चुअली करना है, कैसे शहरों में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करते, क्योंकि बाहर के कितनी सारी कंपनी आके आज अभी बिजनेस कर रही है। हर क्षेत्र में कोई ना कोई बाहर की कंपनी और बिजनेस कर रही है, हम लोग उसको पैसे दे रहे और वो लोग पैसा कमा रहे होते और वो प्रॉफिट वहां लेके जा रहे हैं, अमेरिका, चाइना। या हमें मैक्सिमम करके बिजनेस करना है और ये प्रॉफिट हमारे लोगों को देना। जो जो बात, जो 20% CSR की बात हम लोग गांव के लिए करते हैं, वो पूरे तहसील के लिए, वो हमारे शहरों के लिए भी है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी बहुत और इतना पोटेंशियल है, इतनी पॉसिबिलिटीज है, इतना मिलके पैसा कमा सकते हैं हम लोग, मिलके धंधा कर सकते हैं और वो सभी पैसे हम लोग अपने लोगों के लिए खर्च करेंगे। अभी जैसे काउंसिल सोचती है कि हमारे शहरों में हम लोग बिजनेस को बढ़ावा देंगे, इकोनॉमी बेहतर करेंगे और उससे जो टैक्स मिलेगा उससे हम लोगों की जिंदगी बेहतर करेंगे। हम तो डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट बिजनेस करेंगे और उससे जितना भी पैसा हमारे पास बचता है उसे 20% हम लोगों को देंगे। और ये कितना अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। और ये जो एमपीओ का काम है, ये किसके लिए है? ये लोग आने चाहिए, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ लोगों से ही सॉल्व होंगे। अगर हमें अपने देश को, हमारे तहसील को सुजलाम सुफलाम करना है तो लोग आने चाहिए सामने, लोगों ने काम करना चाहिए। जैसे अभी मैडम ने जो उदाहरण दिया, कितना जबरदस्त उदाहरण है, मुझे भी बहुत कुछ मैंने सीखा कुछ उदाहरण से, कैसे लोग जब आते हैं तो कितना अलग ये सब कुछ बन सकता है। और वही वही कार्य, वही मकसद, वही लक्ष्य है इस एमपीओ का। और ये एमपीओ सिर्फ अभी गांव में नहीं, आने वाले दिनों में हम लोग शहरों में भी ये सब काम करेंगे। और दोस्तों, हमारा सिर्फ एक ही काम है, देखो आपका, मेरा, हमारे पूरे फैमिली का एक काम है कि लोगों को सक्षम करना, लोगों की जो जो बेसिक जरूरतें हैं ना उसको पहले पूरा करना। लोगों की आज जो रोजी रोटी कपड़ा मकान हम लोग बोलते हैं ना, पहले उसका ख्याल रखना और उसके बाद ये एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब की जो हम लोग कर सकते हैं, तो ये लोग बहुत सक्षम है। हर गांव को, हर शहर को हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। लोग बेचारे ये बेसिक चीजों के लिए ही यहां वहां घूम रहे हैं और इसको हम लोग प्रॉपर सब दे सकते हैं। और मैं ये जो बातें आपको बोलता हूं, ये तो अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल तो मैडम ने दिया ही है, लेकिन ये कोई भी चीज जो मैं आपको बोलता हूं, ये कोई सपने बिपने जैसा नहीं है। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इस अदर वे राउंड, हम लोग थे हमेशा बहुत अमीर थे हमेशा, वो छोड़ के, वो नहीं कर रहे इसलिए गरीब है, बस इतनी चीज है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज, यानी उस टाइम जब अमीर थे, वो जो माल बेच रहे थे उससे ज्यादा कीमत आज है उस माल की, ऐसा मुझे बताना है आपको। अंग्रेज भी गरीब थे यहाँ जब आए थे, और हमारे यहाँ 400 साल रहने के बाद वो इतने अमीर हो गए, और बाकी के डच, पोर्चुगीज भी इसके लिए आए थे। तो मुझे लगता है हम जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आराम से, हम लोग सब अगर मिलके आए तो हम आराम से बहुत जल्द भी हमारे शहरों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारा गांव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ये पूरा चित्र हम लोग बदल सकते हैं। और एक चीज, कि आने वाले दिन, आने वाला सभी भविष्य मुझे लगता है कि गांव में है। हो सकता है कि आज जिस तरीके से लोग गांव से शहर जा रहे हैं, शायद गांव शहर के लोग भी अच्छी जिंदगी के लिए बेहतर जिंदगी के लिए गांव में आए, गांव में अच्छा काम करें। हम सब उनके साथ रहेंगे। आप जिस तरह से आप काम कर रहे हो अपने अपने तहसील में, ग्राम पंचायत में, वो पूरे जल्दी हम लोग तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।
The future of India lies in its villages. That's what Honorable Mahatma Gandhi ji has said. Let's make it otherwise. The future of India lies in the hands of MCL, in the farmers, in the life of farmers of MCL. Good morning, MCL India Parivar. और आज फिर एक बार शाम सर का फ्राइडे ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ सिखा के गया और बता के गया कि जागो, यही वो समय है, यही वो वक्त है जब हम देश ने हमारे लिए क्या किया ये पूछने के बजाय हम देश के लिए क्या कर सकते हैं इसका जवाब ढूंढने का समय आ गया है. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. और आज आपने सुना हमारी प्राची मैडम से कि कैसे हिरवे बाजार का जो हिरवे बाजार का स्टोरी है कि एक शहर की शहर से गांव गया हुआ इंसान ने अपने गांव को कैसे विश्व का एक वेल नोन गांव में तब्दील कर दिया. एमसीएल ने तो कसम खाई है कि हम अपने हर एक गांव को एनर्जी इंडिपेंडेंट तो बनाएंगे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट तो बनाएंगे, पर हर एक गाँव अपने आप में विश्व में यूनिक होगा. और यही ये इसी बात का मैसेज देने के लिए श्याम सर ने और एक अलग तरीका चुना, अलग टॉपिक चुना और म्युनिसिपल काउंसिल्स की इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने देश के हर एक इंसान से जोड़ा. ये उनकी खासियत है, यही उनका बड़कपन है और यही उनका नॉलेज है. ऑल द एमसीएल इंडिया परिवार स्टेक होल्डर्स, एमबीपी ओनर, चैनल पार्टनर्स, एमबीएस, एमपीओस, बीडीए, सीनियर बीडीएस एंड सीनियर प्राइम बीडीएस, थैंक यू वेरी मच. एंड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम एमसीएल इंडिया परिवार, वी आर ग्रेटफुल टू यू टू बीइंग हियर विद श्याम सर स्पेशल ट्रेनिंग ऑन फ्राइडे. थैंक यू वेरी मच. यस 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 यस, हर बार की तरह मैं आज भी दोहराना चाहूंगा जो थॉट श्याम सर हमें बताते हैं पूरे वेबिनार में, पूरे ट्रेनिंग में, कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है. जय हिंद, जय एमसीएल. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रवेश सर फॉर एनकरेजिंग अस, एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम जिन्होंने आज हमें एक ऐसी स्टोरी बताई जहां पर अगर पांच उंगलियां एक साथ हो तो मुट्ठी बन जाती है और एक मुट्ठी की ताकत क्या होती है, ये आज की इस स्टोरी से हमने सीखा. जी हाँ दोस्तों, हर बार इसी तरह से ये सारी छोटी छोटी चीजों में से कुछ नई सीख देने का काम करती है प्राची मैडम, और इसीलिए उन छोटी छोटी चीजों का भी इंतजार होता है. थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम फॉर एनकरेजिंग अस एंड गिविंग अस दोस इनसाइट्स. दोस्तों कहते हैं कि भूखा पेट से गाता है, झूठा गले से गाता है और सच्चा दिल से गाता है. दोस्तों वो दिल की सच्चाई, अंतर आत्मा की गहराई, ये सारी बातें हम अगर जानते हैं तो जानते हैं श्याम सर के सेशंस के वजह से. दोस्तों आज लोग शहरों की जगमगाहट के लिए या फिर अच्छे जनजीवन के लिए या फिर अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गांव से शहरों की ओर भाग रहे, वो कितनी गलत हमारी सोच है इसके बारे में आज हम लोगों ने जाना. और शायद इसके लिए हम कह सकते हैं कि हम गलत दिशा में बहुत जल्द जा रहे हैं, और अगर यह रोका नहीं गया तो भविष्य कितना अंधकारमय हो सकता है. लेकिन ये सारी बातें हम बदल सकते हैं और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एमसीएल किस प्रकार से है, ये सारी बातें आज हमने श्याम सर के इस ट्रेनिंग सेशन से जानी. और इसी तरह से हर बार हमें वो सारी बातें जिनसे हमारे किसान, हमारे सारे गांववासी, हमारे गांव, हमारे तहसील किस तरह से सुजलाम सुफलाम बने इसके बारे में बताते हैं श्याम सर एक अलग अनोखे अंदाज में. थैंक यू वेरी मच श्याम सर फिर एक बार एक बहुत ही जटिल विषय आसान कर हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरह से हमारी आज के जो काम है वो गलत दिशा में जा रहे हैं. दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि कृपया चैट बॉक्स में दी गई इस लिंक के ऊपर जाइए, आपका फीडबैक शेयर कीजिए. याद रखिए आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है. दोस्तों आपके फीडबैक के वजह से ही हम बार बार ट्रेनिंग सेशंस में कई सारे बदलाव जो है ला रहे हैं. दोस्तों आपको और बेहतर
जानकारी दे पाए इसके लिए आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं एमसेल परिवार के सारे प्राइम बीडीएस बीडीएस एमपीओ एमबीएस सारे एमबीपीएस चैनल पार्टनर्स और सारे स्टेक होल्डर्स इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये सारे लोग वो है जो हर शुक्रवार यहाँ पर आते हैं, हर शुक्रवार आकर ये सारी बातें सीखते हैं और ये सारी बातें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए हमें चित्र बदलते हुए दिख रहा है। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी एमसेल टीम का जो हर बार इस सेशंस को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह नम्र निवेदन है कि अब मौसम बदल रहा है तो आप अपने परिवार की सेहत का और पूरे एमसेल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि अब हमें किसी को भी बीमार पड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हर बार शाम सर आप लोगों को ये बातें बताते हैं कि आपको तंदुरुस्त रहने के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है, तो इसे जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी के साथ मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार यह घोषणा करता हूं कि आज का यह वेबिनार, आज का यह ट्रेनिंग सेशन यही समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।